अरे की हाल चाल। ओए आज मैं घर पहुंचने वाला हूँ। 25 अक्टूबर को पनवेल गुरुद्वारा से मैं माथा टेक कर महा ऑटो जो मेरा ऑफिस है, जो मेरा स्टोर है, मैंने वहां से जर्नी अपनी स्टार्ट की थी। तो मेरी जर्नी खत्म भी वैसे ही होने वाली है, पनवेल गुरुद्वारा में ही मैं खत्म कर रहा हूँ। वहां पर जो 5 तखत है, जैसे एक नांदेड़ हो गया, पटना साहिब हो गया, केसगढ़ साहिब हो गया, दमदमा साहिब हो गया, अमृतसर हो गया, अमृतसर में अकाल तखत जो गोल्डन टेम्पल है, ये सारे 5 जो मेन गुरुद्वारे हैं ये तो कंप्लीट हुए ही। उसके अलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस पर गया था, जैसे वाराणसी हो गया, बोध गया हो गया, मैं वहां से हरिद्वार, ऋषिकेश गुरुद्वारा भी गया था। वहां से हिमाचल प्रदेश में एक हमारा बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, पौंटा साहिब नाम है उसका, मैं वहां पर भी गया था। वहां से भी आप सबके लिए मैं ब्लेसिंग्स लेकर आया हूँ। वहां से फिर मैं पंजाब आ गया था। मैंने ये जर्नी किया था, ये जो कोरोना काल चल रहा है, जो ये पेंडेमिक चल रहा है, ये सब जल्दी खत्म हो, आप सबको ज्यादा तकलीफ ना हो, आप सबके लिए प्रे करने के लिए मैंने ये जर्नी किया था। एंड एक ये जो स्लोगन है, टर्बन इज रिलीजन बट हेलमेट इज प्रोटेक्शन, ये चीज मैं मानकर चलता हूँ। मैंने अपनी पूरी जर्नी, जहां जहां मैंने बाइक चले वहां पर मैंने हेलमेट पहना, जहां जहां गुरुद्वारे में गया, अंदर गया, मैं जो मेन तखत गुरुद्वारे में जब भी अरदास करने गया, जब भी पाठ करने गया, वहां पर पूजा करने गया, तब मैंने पगड़ी पहनी थी। तो ये था मेरा जर्नी, मैं आपको आगे अपडेट देते रहूंगा। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ये वसई में मेरा होटल था जहाँ पर मैंने स्टे किया था रात को, होटल रिजेंसी के नाम पर है, वाली रोड पर है। वहाँ से रोड है, रोड से अंदर आके यहाँ से एंट्रेंस है एंड ऊपर का इनका पूरा होटल है, पूरा फ्लोर है इनका, बड़ा बहुत बड़ा होटल, बहुत सारा रूम्स है। इनका रेस्टोरेंट का भी काम चल रहा है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, यहाँ से मैं निकल कर थाना में नीलेश तेलकर जी को मिलते हुए आगे जाऊँगा। तो ये था मेरा होटल, अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। यहाँ से निकल के मैं थाना में नीलेश तिलकर सर है उनको मिल के फिर आगे मैं गुरुद्वारे पे निकलूँगा। 2 बजे गुरुद्वारा पहुँचने के लिए बोला है मुझे, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग वेलकम में, बट मुझे बोला कि 2 बजे से पहले नहीं पहुँचना। चलो आज का राइड स्टार्ट करते हैं वसई से पनवेल गुरुद्वारा, जो मेरा राइड कम्प्लीट हो जाएगा। ये पहुंच गए श्री साई प्योर वेज, यहाँ पर नीलेश सर मिलेंगे। नीलेश सर को मिल लिया और ये श्री साई होटल जो थाना में है यहाँ पर भी खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, मस्त एकदम मजा आ गया। अब आगे निकलूंगा। चलो अभी ऑफ टू पनवेल। 1:04 हो गए हैं, यहाँ से मुझे जाना है पनवेल। हाँ पनवेल ना चलो, घर ही चालू आता कुछ ना, इंडिया टूर करू ना लो। अरे बाप रे, हो थैंक यू। कुटा करू ना ले मैं, आमचे जो 5 तखत गुरुद्वारा है ना तिकडे ते सर्व कंप्लीट करून चालू आता। अमृतसर, नांदेड, पटना, अमृतसर आणि पंजाब मध्ये अजून 2 आहे, एक आनंदपूर साहेब आणि एक बठिंडा चे इकडे, हो ते सर्व करून आले। बोध गया पण गेलो, वाराणसी पण गेलो बाईकवरच। किती तास चालवायची गाडी दररोज? सकाळी तर संध्याकाळी। अरे बाप, हो हो कंटाळा येत नव्हता? जाम नाही, कम्फर्टेबल बाईक आहे। अच्छा हो, चांगले। चला चला, थँक्यू। 25 to 30 हो। प्राइस पण खूप आहे इथे, मग 5 लाख आहे ना? हो, कारची प्राइस आहे पूर्ण, बाईक पण तशी आहे ना। चला हो,
वेलकम वेलकम वेलकम, एकदम मस्त। किसको बोलो मैं तभी मैं आया हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ फिर मैं यहाँ से निकल के गुरुद्वारा जा रहा हूँ। ध्यान दो मैं आता हूँ। तो ये मेरा जर्नी खत्म हो रहा है। गुरुद्वारा पहुँचने वाला वो सारे दोस्त और सब फैमिली वहाँ पर वेलकम के लिए खड़े हैं। वहाँ पर जाकर फिर देखते हैं। बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी दुआएं मांगी है मैंने आप सबके लिए जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना से सब बचने के लिए आप सबके लिए मैंने बहुत दुआ मांगी, अरदास की है, पूजा की है। और गाड़ी भी मेरी जो BMW G310 GS है उसमें कुछ तकलीफ़ नहीं दिया, टचवुड हर चीज़ मेरी अच्छे से हो गई। एक स्पिरिचुअल जर्नी था ये, वो स्पिरिचुअल पावर के साथ में ये जर्नी ख़त्म हो रही है। और ऊपर वाले की कृपा आप सबके ऊपर भी बने रहे, आपको आगे का अपडेट मैं देते रहूँगा। थैंक यू, सत श्री अकाल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज 11 नवंबर जस्ट ऑन टॉप निशान साहेब, जैसे मत्था टेकने आया एक प्यारा सा बैनर देखा मैंने,
वेलकम सरदार अभिजीत सिंह, सन ऑफ सुरजीत सिंह कोहली, बाइकर ज्ञानी। क्या किया इन्होंने? फर्स्ट मैन सोलो राइड 5% सिखिज्म का। वाहेगुरु, अकेले अपने बाइक पे कोविड पैंडेमिक टाइम में जब लॉकडाउन था तो वो जिगर लेके चलने वाला बंदा अभिजीत, अभिजीत कोहली। जैसा क्रिकेट में विराट कोहली, वैसा राइडिंग में अभिजीत कोहली। ये बाइक सबसे स्पेशलिटी क्या है इस बाइक का? एंड में खालसा, फ्रंट में खालसा। गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहेगा क्योंकि ब्लेस्ड है, फुल मैप नेविगेशन सब परफेक्ट में। कहां से कहां? पहले नांदेड़, नांदेड़ से फिर पटना साहिब, वहां से फिर पंजाब। 100 साल जीना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक दिन में कुछ ऐसा काम करो जिसे दुनिया 100 साल तक याद रखे। किसने वो किया? टूर था, जो रूट था, जो जर्नी था मेरा, ये पूरा मैं आपको एक अलग से एक वीडियो बनाकर या एक अलग से डिस्क्रिप्शन में मैं आपको पूरा रूट का पूरा मैप में बता दूंगा कि मैंने क्या रूट से क्या रूट लिया था। अगर आप ये जाना चाहते हो ऐसे ही तखत राइड पे या कहीं पर आप वही रूट पे जाना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नीचे मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। मैं आपको पूरा गाइडेंस कर दूंगा कि आपको कौन सा रूट लेना है, क्या करना है, आप उस हिसाब से आपका जर्नी कर सकते हो। Yo.